हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके साइंस एंड टेक से जो आपके एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्री बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो परम सिद्धि एक टर्म है, रिसेंटली ही आपने न्यूज में सुनी होगी, ये किस चीज से रिलेटेड है। पहली ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ये एक जेल है जो कि प्रोटेक्ट करेगा फार्मर्स को फ्रॉम टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, या फिर ये दुनिया का सबसे थिनेस्ट मटेरियल है विद नोवल टेक्निक। थर्ड में पूछा जा रहा है क्या ये एक सुपर कंप्यूटर है, या फिर एक फास्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो आपने जरूर, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो इस टर्म को आपने जरूर सुना होगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली परम सिद्धि आपका एक AI सुपर कंप्यूटर है, ठीक है जी, और ये एस्टैब्लिश किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके चलते इसका 63rd रैंक आया है इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो आपका परम सिद्धि AI बेस्ड जो ये सुपर कंप्यूटर है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा इन एम्पावरिंग आर नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, एज वेल एज जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करेगा थ्रू द नेटवर्क ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो काफी मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशन रहेंगी इसकी, जैसे कि आपका इन द फील्ड ऑफ एडवांस मटेरियल्स हो गया, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या आपका हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। साथ के साथ जैसे जो आपके फ्लड फॉरकास्टिंग का जो पैकेज है फॉर फ्लड प्रोन सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना एंड गुवाहाटी, उसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें COVID-19 से रिलेटेड जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उसमें भी काफी हेल्प करेगा थ्रू फास्टर सिमुलेशंस, मेडिकल इमेजिंग, जीनोम सिक्वेंसिस, साथ के साथ काफी हेल्पफुल रहेगा इंडियन स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए, ठीक है जी। ये आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं उनकी भी काफी हेल्प करेगा। साथ के साथ जो वेदर फॉरकास्टिंग पैकेजेस हैं, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, उनके जो पैकेजेस हैं उन्हें टेस्ट करने में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। जियो एक्सप्लोरेशन पैकेजेस हैं जो आपके ऑयल एंड गैस रिकवरी के लिए, जो आपके एरो डिजाइन स्टडीज के पैकेजेस हैं, इन सभी को वो टेस्ट करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली जो आपके सुपर कंप्यूटर है, इसमें आपकी RPC रिकॉर्ड की गई है 5.267 पेटाफ्लॉप्स। तो पेटाफ्लॉप्स बेसिकली फ्लॉप्स इसमें आपका हुआ फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। और RMAX का रिकॉर्ड किया गया है 4.6 पेटाफ्लॉप्स। तो RMAX RPC बेसिकली ये एक स्कोर है जिसके आधार पर जितने भी आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं वो रैंक किए जाते हैं, ठीक है जी। तो RPC बेसिकली क्या हुआ, जो उसकी थियोरेटिकल पीक परफॉर्मेंस है उसे RPC कहेंगे। RMAX क्या हुआ कि कितना उसने मैक्सिमम अचीव किया परफॉर्मेंस में। तो ये CDAC द्वारा कंसीव किया गया एंड डेवलप्ड जॉइंटली विद द सपोर्ट ऑफ DST एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द NSM, ठीक है जी। तो इसको काफी रिकॉग्निशन मिली है अमंग द नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स क्या हुए कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं सुपर कंप्यूटर के, वो सारे आपके एक ही लोकेशन में हैं, और परम सिद्धि के इस केस में आपके पुणे में हैं। तो जो आपका NVIDIA DGX सुपर POD रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग सिस्टम है, उस पर ये बनाया गया है। साथ के साथ इसमें जो CDAC का इंडिजिनियसली डेवलप्ड HPC AI इंजन है वो भी यूज हुआ है इसे बनाने में। CDAC आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है, ठीक है जी। सो आपका बेसिक सा आइडिया था रिलेटेड टू परम सिद्धि। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है आपकी G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस। तो इसके बारे में बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इसमें इनकरेक्ट हैं, ठीक है जी। पहले में कह रहा है ये बनाया गया है, इट वॉज फाउंड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सेकंड में इसके एम के बारे में बताया गया है इस अलायंस के, कि जो स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज को प्रमोट करना, साथ के साथ बाय एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल नॉर्म्स एंड पॉलिसी स्टैंडर्ड्स फॉर द यूज ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज इन पब्लिक स्पेसेस, ठीक है जी। तो पहले में बताया गया है किसने फॉर्म किया है, दूसरे में बताया है क्या इसका एम है। तो आपको देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सो बेसिकली आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी अनाउंसमेंट की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ठीक है जी। तो इस अलायंस के आधार पर
15 सिटी नेटवर्क्स को इंक्लूड किया गया है एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया गया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बेसिक सा एम इस अलायंस का बिल्कुल करेक्टली मेंशन था कि जो आपकी स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज हैं उसको रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज उसका प्रमोट करना, साथ के साथ एस्टैब्लिश करना ग्लोबल नॉर्म्स एंड पॉलिसी स्टैंडर्ड्स फॉर द यूज ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज इन पब्लिक स्पेसेस। तो ये जो डिसीजन था इस अलायंस को बनाने का, ये जून 2019 लिया गया था इन G20 समिट इन जापान। ठीक है जी। सो बेसिकली जो इस अलायंस ने कमिट किया था कि वो प्रेजेंट करेंगे ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज बिफोर द G20 रियाद समिट इन सऊदी अरेबिया, जो कि अभी इस वीकेंड चल रही है। तो आपकी ये 15th मीटिंग है G20 मेंबर्स की। सो इसमें आपकी चार इंडियन सिटीज हैं, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड फरीदाबाद, जो कि 36 सिटीज की एक लिस्ट बनाई गई है फ्रॉम 22 कंट्रीज एंड 6 कॉन्टिनेंट्स। उसमें से ये सिटीज आपकी सिलेक्ट की गई हैं बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू पायनियर अ न्यू रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज एज अ पार्ट ऑफ G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस। बाकी जो की जो कुछ सिटीज इसमें इंक्लूडेड है वो यहाँ मेंशनड है। ठीक है जी। तो ये जितनी भी आपकी 36 पायनियर सिटीज हैं, ये आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन, बेटर ब्रॉडबैंड कवरेज, अकाउंटेबिलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी, इन सभी चीजों को लेके जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उन्हें अडॉप्ट करेंगे। कोविड पेंडेमिक में भी काफी हेल्पफुल रहेगा आपका लाइंस, क्योंकि काफी एक तरीके की इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, जिसके तरीके से जितनी भी इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी इस चीज को फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ बात हो रही है ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिशन के बारे में, और आपसे पूछ रहे हैं ये किस चीज से रिलेटेड है। क्या ये सुसाइड प्रिवेंशन से रिलेटेड है, या ये HIV प्रिवेंशन से रिलेटेड है, या फिर ये ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड है, या फिर आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवेंशन से ये रिलेटेड है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जरूर ये टर्म सुनी होगी न्यूज में। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आपका HIV प्रिवेंशन से रिलेटेड है। तो आपका जो एक ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन है, ये ग्लोबल कोलिशन है, इसमें आपके जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो आपके यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, काफी जितने भी डोनर्स हैं जो इसमें वॉलंटरीली डोनेट करना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ये एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2017 ताकि जो HIV प्रिवेंशन के ग्लोबल एफर्ट्स हैं उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको और ज्यादा एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है जी। सो मेंबरशिप में इसमें बेसिकली जो आपके हाईएस्ट HIV बर्डन कंट्रीज हैं, 25 कंट्रीज हैं, वो इंक्लूडेड हैं, UN AIDS को स्पॉन्सर्स हैं, डोनर्स हैं, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है जी। सिंपल सा गोल है, स्ट्रेंथन एंड सस्टेन पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन बाय सेटिंग अ कॉमन एजेंडा अमंग द की पॉलिसी मेकर्स, फंडर्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर्स। ठीक है जी। HIV केयर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, की सर्विस डिलीवरी हो गया, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, टेस्टिंग प्रोवाइड करना, तो ये सभी इस प्रोग्राम का एम है, एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है। सो जो इंडिया का मॉडल है वो है आपका सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग। बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग आपका क्या है कि इसमें सरकार फंड्स प्रोवाइड करेगी जितनी भी आपकी, हम कह सकते हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ताकि इससे रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रिवेंशन मेजर्स उन्होंने लेने हैं या कोई भी अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट करनी है तो वो कर सकें। तो जो इसमें आपकी टेस्ट एंड ट्रीटी पॉलिसी है उसके चलते अप्रोक्सीमेटली 50,000 ऐसे लोग थे जिन्हें HIV है और उन्होंने फॉलोअप मिस कर दिया, तो इन सभी को लिंक किया गया है टू एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सर्विसेज थ्रू मिशन संपर्क। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। साथ के साथ जो आपके जो वायरल लोड टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनका भी नंबर हमारे देश में बढ़ाया गया है फ्रॉम 10 to 64 लैब्स। सो बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उनके रोल्स हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इनको जरूर अपने कहीं नोट्स में जमा कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है जी। और आपसे पूछ रहे हैं कि रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा तो ये किन कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट है। चार कंट्रीज यहाँ मेंशन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA। चार कोड्स आपको मेंशन है, आपने जरूर करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं जरूर आपने सुना होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आपकी जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक एग्रीमेंट है। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके की डिफेंस डील साइन की है ताकि जो साउथ चाइना सी और
जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं वहां पर जो चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है उसे काउंटर किया जा सके, जो मिलिट्री कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसे बढ़ाया जाएगा, इंटेंसिफाई किया जाएगा, साथ के साथ जितनी भी ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि दोनों देश एक दूसरे की टाइम आने पर मदद कर सकें। सेम तरीके का एक एग्रीमेंट जापान का यूएस के साथ भी है। इसमें जो ये पैक्ट साइन हुआ है इसे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की तो कोई जरूरत नहीं है बट इसमें जापान पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। सो ये जो आपका रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है कुछ ही टाइम बाद आया जब आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे क्वाड अलायंस के, क्वाड अलायंस में आपके कौन कौन से हैं, यूएस एंड इंडिया भी हैं, साथ साथ आपका जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी हैं। ठीक है जी, हम पहले भी एक क्वेश्चन इसमें कवर कर चुके हैं इससे रिलेटेड। तो उसके कुछ ही टाइम बाद इन्होंने ये रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसके चलते जो जो दोनों देशों के जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री है, एक दूसरे की कंट्रीज विजिट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग या ज्वाइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं वो भी वो कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट के चलते जापानीज मिलिट्री अगर जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आ सकती है। तो ये एक क्लॉज इसमें रखा गया है। ठीक है जी। सो आपका बेसिक सा आइडिया था रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है टीम हेलो के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। पहले में कहा जा रहा है कि एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का इन कोलैबोरेशन विद द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है जी। सेकंड में इसके एम के बारे में बात हो रही है कि टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू द चिल्ड्रन इन द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ अफ्रीका। तो अगर आपने टीम हेलो के बारे में सुना है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चार कोड्स आपके सामने यहाँ मेंशन है, वीडियो पॉज कीजिए, उसको बिल्कुल करेक्टली मार्क कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ही है। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ओवर 100 ऑफ साइंटिस्ट उन्होंने एक साथ आए हैं, कोलैबोरेट किया है ताकि जो इशू है मिस इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग द कोविड 19 वैक्सीन, इस इशू को वो टैकल कर सकें। तो टीम साथ में आई तो उस टीम का नाम रख दिया टीम हेलो। ठीक है जी। इनिशिएटिव बन गया ये आपका यूनाइटेड नेशंस का इन कोलैबोरेशन विद द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। बिल्कुल करेक्टली मेंशन था स्टेटमेंट वन में। सो मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने का तरीका क्या है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ऑन द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन बाय सोशल मीडिया। इसके चलते बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्रिएटिव सोशल मीडिया फ्रेंडली वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या साइंस है बिहाइंड कोविड 19 वैक्सीन, क्या उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या फिर क्या रिएक्शंस हैं ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड 19 वैक्सीन। तो ये बेसिक सा आइडिया था आपका टीम हेलो से रिलेटेड। तो आई होप आपने 5 में से 5 स्कोर किया हो आज के टेस्ट में। ठीक है जी। सो आज के लिए हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म हो रहे हैं। इसी तरीके से रेगुलरली प्रीक्योर प्रीमिक्स फॉलो करते रहिए। आपकी प्री बेस जो प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो साइड बाय साइड चलती रहेगी बट साथ के साथ मेंस आंसर राइटिंग का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड हमारा कोर्स अभी चला है, एक बैच 2 उसका लॉन्च कर दिया गया है। 16 नवंबर से उसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं जिसके तहत 108 दिन का ये कोर्स है जिसमें आपको हर दिन एक नया क्वेश्चन मिलेगा बेस्ड ऑन न्यू सब्जेक्ट। तो बेसिक आइडिया क्या है कि एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाए आपको जिस पे आप डटे रहें, जो आपकी प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी है वो स्ट्रीमलाइन रहे, कि वो ऑसिलेट करती रहे। ठीक है जी। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन रहेगी उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे। तो रेगुलरली नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले रिविजन के टाइम, नोट्स ही आपके काम आते हैं। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।